सो हेलो गाइस नाउ अगर देखा जाए तो ये साल कॉमिक बुक अडेप्टेशन के मामले में हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ तो देख के नहीं गया है सो फार बट जो कुछ भी हमें इस साल देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहा एंड आई स्टिल हैव एन टॉक अबाउट द मोस्ट फेवरेट थिंग आई हैव है दिस ईयर फ्रॉम द कॉमिक बुक मीडिया और वो निकल के आता है बैटमैन द केप क्रूसीडर एनिमेटेड शो जिसके ऊपर अब फाइनली अपन बात कर सकते हैं तो या आज के इस वीडियो में मैं द केप क्रूसीडर से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉयलर फ्री रिव्यू के अनुसार शेयर करूंगा कि मुझे ये एनिमेटेड शो कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए सो so, ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के समेजिंग वीडियो को नॉ क्रूसेडर का हमें कोई लीनियर प्लॉट देखने को नहीं मिला है यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो एनिमेटेड शो है वो एक एंथोलॉजी की तरह ज्यादा वर्क करता है यहाँ कोई भी लीनियर स्टोरी फॉलोअप नहीं होती है हर एपिसोड में काइंड kind ऑफ of हमें उसकी खुद की स्टोरी देखने को मिलती है जहां हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से बैटमैन इज क्वाइट फिगर इन दिस गोटम सिटी जहाँ पे ज्यादातर लोग इसे अभी भी एक मिथ मानते हैं अनलेस एन एंटिल दे इनकाउंटर हिम फॉर देअर ओन और उस मामले में अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट सीजन हमें देखने को मिला इसके अंदर टोटल दस एपिसोड्स मौजूद थे जहाँ हर एक, एक एपिसोड में जैसे कि मैंने मैंशन किया काइंड kind ऑफ of उनकी एक खुद स्टोरी निकल के आती है जहाँ हम डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ गौतम को एक्सप्लोर करते हैं और गौथम सिटी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने को हमें देखने को मिलता है लेट मी टेल यू स्ट्रेट कि आई लव दिस शो अ लॉट दे रियली ट्राई टू ब्रॉड बैक द फील ऑफ द ऑरिजिनल एनिमेटेड सीरीज हेयर उससे रिलेटेड तुम्हें कई सारे होम होमाज वगैरह देखने को मिल जाएंगे विद द आर्ट डायरेक्शन एंड एवरी और इसी वजह से तुम कह सकते हो कि दिस शो वॉज मेड फॉर डाई हार्ट बैट मैन फैंस इन जनरल नॉट द केप क्रीडर सेट है फोर्टीज़ के टाइम पर जिसके वजह से इसकी जो ओवरऑल फील है वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आती है मोस्ट ऑफ़ द शो नाइट टाइम को डिपिक्ट करने पर ही ध्यान देता है हम गौतम सिटी के नाइट टाइम सीनैरियज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और इसी वजह से गौतम खुद में ही एक एंटिटी की तरह फील होता है और वो हॉरर एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है इस शो के अंदर कह सकते हो कि ये शो काइंड ऑफ एक डिफरेंट यूनिवर्स की स्टोरी हमें दिखाता है ऑब्वियसली क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स में हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं उनके ओरिजिनल अडेप्टेशन के कंपैरिजन में बट फिर भी ओवरऑल डिपिक्शन कैरेक्टर्स लाइक बैटमैन का बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आता है गौतम सिटी को भी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है प्लस इट्स सेट इन द नाइनटीन इससे ज़्यादा तुम और क्या ही मांगोगे और उसके साथ साथ अगर देखा जाए ना तो ये एनिमेटेड शो बहुत ही सारे कैरेक्टर्स और बहुत ही सारे रेफरेंसेज के साथ भरा पड़ा है जो चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज भी हो सकते हो टाइम टू टाइम एन आई कांट इवन आस्क फॉर मोर प्लस जो फील है ना इस शो की जो ग्रेटिनेस हमें देखने को मिली है जो सॉट ऑफ गौथिक हॉर फील ये शो तुम्हें देता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया आई एब्सिलिटी अडोर इट विच मेक्स इट अ शो आई कैन ईजिली वॉच अ हंड्रेड एपिसोड्स ऑफ अब ऐसा नहीं है कि दी केप क्रोसीडर हमें एक परफेक्ट अडेप्टशन देखने को मिली है इसमें भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स का कह सकते हो कि शुरुआत एक ही चीज से होती है और वो है इसकी फास्ट पेसिंग जो शो है वो काफी ज्यादा फास्ट मूव करता है जिस चीज को, को लेके स्टार्टिंग में मैं थोड़ा वरीड भी था बट but... इन तुम उससे यूज टू हो ही जाते हो एंड इट मेक्स सेंस इट्स मेड फॉर अ मोर मॉडर्न ऑडियंस और इसी वजह से हमें स्लो पेसिंग देखने को नहीं मिली है और क्योंकि फेसिंग जो है फास्ट है तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि एपिसोड्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और कुछ जगह पर चीज़ें एंटी क्लाइमेटिक भी फील हो सकती है बट आई गेट द होल आइडिया बट फिर भी मेरे ख्याल से बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्टोरीज स्लो पेस्ड ही परफेक्ट निकल के आती है वन ऑफ द मैनी रीजनस आई थिंक द बैट मैन मूवी वॉज अ फेक्ट मूवी इस कर्स की किस तरीके से हमें वो स्लो पेसिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है एंड आई लव दैट अबाउट बैटमैन स्टोरीज बट एक चीज ऐसी निकल के आती है जो केप क्रूसरेडर डेफिनेटली किसी भी लाइव एक्शन अडेप्टेशन से तो काफी ज्यादा हमें बेहतर करके देखा गया और वो निकल के आता है कि किस तरीके से यहाँ जो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट है और जो फेंटास्टिकल साइड है बैटमैन के लोर का उसे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई रिसेंट टाइम में एक काइंड kind ऑफ of हमें वियर्ड ऑप्शन देखने को मिला है जहाँ बैटमैन की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज को एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की जा है जो कि सेंस नहीं बनाता है क्योंकि अगर तुम तो उसकी रोग्स गैलरी को भी देखोगे तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक्शन में तो एक प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है उस साइट को एक्सप्लोर नहीं किया गया है कह सकते हो कि जैक स्नाइडर का जो डिपिक्शन था बैटमैन को लेके वहां हमें साईफाई एक्सपेक्ट को काइंड ऑफ डिपिक करते हुए दिखाया गया कि किस तरीके से बैटमैन एक जीनियस निकल के आता है वो बिल्ड करता है चीज़ों को बट फिर भी ये जो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट है इसके साथ अभी तक तो जस्टिस नहीं किया गया लाव एक्शन में दिकेट क्रूसेडर उस चीज़ को डेफिनेटली एडअप्ट करता है यहाँ पर हमें साफ देखने को मिलता है कि चीज़ें ग्राउंडेड तो हैं लेकिन रियलिस्टिक नहीं बिकॉज दिस इज स्टिल अ कॉमिक बुक शो और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल लगी जिसके वजह से इसके जो अपकमिंग सीजन हैं उसमें हमें किस तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई नो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवरऑल जितना कुछ भी कॉमिक बुक ओरिएंटेड मतलब अडेप्टेशन के मामले में मूवीज़ और एनिमेटेड शोज के मामले में मैंने इस साल देखा आई लाइक दिस वन द मोस्ट नॉट टू से इट वॉज द बेस्ट वी गॉड मे भी कह सकते हो कुछ लोगों के हिसाब से एक्स में नाइन्टी सेवन ज़्यादा बेटर होगा और क्रिटिकली uh, तुम ये चीज़ कह भी सकते हो क्योंकि राइटिंग वगैरह में वहाँ ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है बट आई पर्सनली इंजॉयड दिस शो वे मोर इवन दो आई लव द एक्स नाइनटी सेवन एनिमेटेड शो एज वेल बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये एक इंक्रेडिबल एनिमेटेड शो निकल के आता है यू कैन ईजिली बेंज वॉच और सेवर योर टाइम विथ जीज़ मैंने किया बिकॉज सिर्फ दस एपिसोड हमें देखने को मिले हैं जो बीस बीस मिनट के हैं तो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किस कि तरीके से इसके फ्यूचर को जो है अनफोल्ड किया जाता है बिकॉज इट हैज़ रियली अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और ओवरऑल मुझे सारे के सारे डिपिक्शन काफी ज्यादा बेहतरीन लगे आई वज रियली इन्वेस्टेड इन इट एंड आई रियली इन्जॉइड माई सेल्फ आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की तो बैटमैन द केप बैटम से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी एट पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की, की. मेरी तरफ से तो ये शो रिकमेंडेड है तुम लोगों ने अगर ये एनी शो चेकआउट किया है तो तुम लोगों ने चेकआउट में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो सोच ये थी वीडियो से स्पॉलर फ्री रिव्यू को लेके आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर इनके से अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब भी कर लेना मैं बोलूँगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल दन बाय स्टे ट्यून स्टे ऑसम